बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे भाई और बहनों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम शहबाज हुसैन नावान और आप इस वक्त देख रहे हैं हकीम शहबाज हर्बल टीवी ऑन यूट्यूब। आज की ये मेरी जो मुख्तसर सी वीडियो है वो अपने तमाम शागिर्दों के नाम जो मुझसे अल्लाह के फजल करम से करिश्माती निज़ाम तशख़ीस तिब सीख रहे हैं और ऐसे अपने तमाम चाहने वालों के नाम, खैर ख्वाहों के नाम, दुआ गो जो हैं उनके नाम और ऐसे लोग जो बहुत दूर दराज के इलाकों में बैठे हमारे लिए मोहब्बत का जज्बा रखते हैं उन सब के नाम। प्यारे भाइयों, दुनिया में तखरीब जो है वो बहुत आसान होती है, तामीर जो है वो बहुत मुश्किल होती है। इसकी मिसाल आप एक ले लें कि गुलाब की एक टहनी होती है, इस तरह की एक कलम होती है, वो आप सबको पता होगा कि पेंसिल के बराबर एक गुलाब की टहनी लेके उसकी कलम बना के उसको गमले में लगा के उसकी तकरीबन एक साल तक आबियारी की जाती है, देखभाल की जाती है, पानी दिया जाता है, तो फिर जाके वो गुलाब का पौधा बनता है और फिर उस पे गुलाब के फूल आते हैं। ये है तामीर। अब कोई ऐसा नेगेटिव माइंड शख्स जो तखरीबी जहन रखता है, दिमागी मरीज है, वो उठे एक दरांती उठाए और ये जवाब बनाकर कि इस पौधे के साथ तो कांटे लगे हुए हैं, उसको काट के फेंक दे तो ये एक सेकंड में वो काट के फेंक देगा, ये है तखरीब। अब वो अहमक जो है, नादान है, जहनी मरीज है, वो ये भी नहीं सोचेगा कि इस पे अगर कोई कांटे हैं तो इस पे सैकड़ों फूल भी लगेंगे और ये फूल जो हैं ये चमन को महका देंगे। तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव माइंड की ये एक मिसाल है। मेरे कुछ दोस्तों की तरफ से मुझे कुछ वीडियोस भेजी गई हैं कि ये आपके मुखालफिन की हैं। अभी मैंने आज ही व्हाट्सएप ऑन किया, लाहौर की मेरी आज तैयारी है, मैं जाने लगा तो मैंने देखा तो कुछ दोस्तों की तरफ से एक वीडियो आई हुई है। वो भेजने का मकसद उनका ये है कि मैं उस पर कोई अपना रद्द अमल दूंगा या उस पर मैं कोई वीडियो रिकॉर्ड करवाऊँ कि जी ये है वो है। मेरे प्यारे भाइयों, जब हाथी चलता है तो कुत्ते भौंकते हैं, ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। आप किसी जगह पे हाथी को चलाएं और देखें कि उस इलाके के कुत्ते उसके पीछे लगते हैं कि नहीं लगते, भौंकेंगे। कारवां चलते हैं तो भी कुत्ते भौंकते हैं। क्या किसी हाथी का सफ़र कुत्तों के भौंकने से रुक जाता है? हरगिज़ नहीं रुकता। इसी तरह कारवां चलते हैं, काफ़िले चलते हैं तो जिस जिस इलाके से गुजरें वहाँ के कुत्ते भौंकते हैं, तो क्या काफ़िले रुक जाते हैं? हरगिज़ नहीं रुकते। कुत्ते भौंकते हैं जहाँ तक अपनी उनकी एनर्जीज मनफी होती हैं वो पूरी की पूरी इस्तेमाल करते हैं और काफ़िले वालों को काटने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन काफ़िले नहीं रुकते। आखिरकार इन मनफी जहनीत के हामल कुत्तों को शिकस्त होती है और वो फिर भाग जाते हैं। अल्लाह के फजलो करम से मेरे जितने भी प्यारे भाई बहने, मेरे चाहने वाले, मेरे फॉलोअर्स हैं, मैं उनको आज एक नसीहत करने जा रहा हूं कि वो सिर्फ अपने काम पे तवज्जो दें, नेगेटिव माइंड लोगों से दूर हो जाएं। ऐसे लोग जो होते हैं उन्होंने हमेशा नेगेटिविटी फैलानी होती है, तखरीब करनी होती है और लोगों की जो तामीर की हुई चीज़ें होती हैं, जो वो बनाई होती हैं उन्होंने, उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करनी होती है, क्योंकि ये एक मनफी जज्बा है और इसकी बुनियाद हसद होता है। रशक और हसद में फ़र्क होता है। हसद ये होता है कि मैं फ़र्ज़ करें ये समझता हूँ कि मेरे फलां दोस्त के पास गाड़ी है, 40 लाख रुपया उसकी मालियत है, तो ये तो इसको क्यों मिल गई, ये तो अब इससे छीन जानी चाहिए, चोर ले जाएं, डाकू ले जाएं, ये ले जाएं, ये अब ज़ाया हो जाए, इससे इसका एक्सीडेंट हो जाए, ये हो गया हसद। अगर मैं ये कोशिश करूं
और ये जज्बा रखूं कि या अल्लाह पाक आपने इसको ये 40 लाख रुपए की गाड़ी दी है तो मुझे भी दें और मैं भी कोशिश करूं कि मुझे भी ये गाड़ी अल्लाह ताला अता करे, मेहनत करूं, अपने काम को बढ़ाऊं, अपने सोर्स ऑफ इनकम को बढ़ाने की कोशिश करूं और उस गाड़ी को हासिल करने की कोशिश करूं। तो ये है रशक, ये मुस्बत जज्बा है। और जो हसद है कि फलां बंदे के पास कोई नेमत है वो ज़ाया हो जाए, ख़त्म हो जाए, उससे छिन जाए, मेरे पास नहीं तो उसके पास क्यों है, ये हसद है, ये मनफी जज्बा है। और ये जो मनफी जज्बा हसद है ये इंसान को इतना गिरा देता है कि वो अपने जो किरदार है उसका वो ख़त्म कर देता है, उसको अंदर बाहर आग लगी होती है, वो उसके चेहरे से भी नज़र आती है, उसकी बॉडी लैंग्वेज से भी नज़र आती है, उसके किरदार से, उसकी गुफ्तार से, हर चीज़ से वो मनफी जज्बा जो है वो झलक रहा होता है। और जो साहिब इल्म व अक्ल लोग हैं वो सिर्फ उस बंदे की शक्ल देख के, उस बंदे की गुफ्तार देख के, अंदाज़े तकल्लुम देखेंगे, उसकी बॉडी लैंग्वेज देखेंगे तो वो समझ जाएंगे कि ये बंदा हसद में मुब्तला है। अब वो दूसरे मुखालफिन जो अपने हैं उनके ख़िलाफ़ जो कुछ मर्जी करता फिरे वो हसद है, वो तो कहेगा कि ये मर जाए, ये कहाँ से आ गए। तो मेरे प्यारे भाइयों, आप सब लोगों ने आज, मैं आप सब के साथ एक अहद करता हूँ, ऐसा कोई बंदा जो मेरा ये चैनल इस वक्त देख रहा है, मेरी वीडियो देख रहा है, किसी मेरे मुखालफ की वीडियो मुझे ना भेजे। मैं अपने इन तमाम मुखालफिन को दिल की अथाह गहराइयों से दुआएं देता हूँ। मेरी उनके लिए दुआ है कि अल्लाह ताला उनके इल्म में, उनके अमल में, उनकी ज़िंदगी में, उनके अहलो अयाल में, उनके माल में, हर चीज़ में जो है वो बरकत जो है वो डाले। अगर किसी मेरे मुखालफ की एक बीवी है तो अल्लाह ताला उसको 4 बीवियाँ अता करे, उसका एक बच्चा है तो अल्लाह उसको 16 बच्चे दे, मेरी ये उनके लिए दुआ है। तो मेरे प्यारे भाइयों, आपने भी मनफी जज्बा नहीं रखना किसी मेरे मुखालफ से। आप जो मेरे शागिर्द हैं, मेरे फॉलोअर्स हैं, कोई दिल में कोई बुग़्ज़ ना रखें, उनके लिए दुआ करें और अपना काम करके उनको दिखाएं। मेरा आपसे वादा है आज के दिन 4 मार्च, इंशाल्लाह ताला ये 2023 है, 4 मार्च का दिन है, आपसे मेरा वादा है कि ये जितने YouTube पे मेरे खिलाफ लगे हुए हैं या Facebook पे या जितने तबीब हैं, जितने मुखालफ हैं, जितने मेरे हासिद हैं, अल्लाह के फजलो करम से इनको मैं काम करके दिखाऊंगा। आप देखिएगा YouTube पे अगर मेरी जिंदगी रही तो मैं काम करके दिखाऊंगा और इनको पता चल जाएगा कि कोई बंदा कैसे तामीरी काम कर रहा है। इन लोगों की जो असलियत और हकीकत है वो मुझे देखने की जरूरत नहीं, हमें क्या मसला है इनके साथ, इनको लगा रहने दें, आप भी काम करें। आप जितने मेरे प्यारे भाई हैं, जो मेरे शागिर्द हैं, दोस्त हैं, खैरख्वाह हैं, आप अगर तबीब हैं या तिब के शाइक हैं तो मेरा आपको मशवरा यह है कि आप इसी तरह जिस तरह हमने YouTube पे चैनल बनाए हैं अपने चैनल्स बनाएं, जो भी आपके पास नॉलेज है वो आप दूसरे भाइयों को पहुंचाएं, अपने तजर्बात, मुशाहदात, जो कुछ भी आप कर सकते हैं वो करें, काम करके दिखाएं। हमेशा किसी भी फर्द की, किसी भी कौम की, किसी भी मुआशरे की पहचान उसके काम से होती है, उसके किरदार से होती है। मैं कभी भी किसी बंदे के जाहिर से मुतासर नहीं हुआ, कभी मैंने किसी बंदे के जाहिर को अहमियत नहीं दी। लोग किसी भी हुलिये में आए, अल्लाह के फजलो करम से आप उनसे मुतासर ना हों, उनके किरदार को देखें। जाहिर जो है वो ख़त्म हो जाता है, किरदार जो है वो बाकी रहता है। और आज के बाद कोई मेरा मुखालफ अगर आप देखें ना कि वो पाँव से किसी दरख्त के साथ लटका हुआ है या किसी चुराहे में लटका हुआ है, उसके पाँव बांध के किसी ने दरख्त के साथ उसको उल्टा लटका दिया है, उसकी भी वीडियो मुझे ना भेजे। मेरे पास इतना वक्त नहीं होता। और अपनी एनर्जीज जो हैं आप भी उनको पॉजिटिव जो है यूज करें। हमें क्या जरूरत है किसी और की तरफ देखने की, हमें अपना काम करना है,
काम करना है, काम करना है, और इंशाअल्लाह ताला दुनिया को दिखाना है कि हमने ये काम कर दिया है। मुझे उम्मीद है कि मेरे तमाम दोस्त, मेरे तमाम शागिर्द, मेरे तमाम चाहने वाले जो मेरे लिए किसी भी किस्म का मुस्बत जज्बा रखते हैं वो मेरी इस बात पे अमल करेंगे और इंशाअल्लाह ताला हम इन लोगों को काम करके दिखाएंगे। ये कुछ करें, जब एक नेगेटिव माइंड जेन होता है ना तो उसकी तरफ जो लोग रजू करते हैं वो भी नेगेटिव माइंड होते हैं। और आपने सुना होगा कि बुरे को बुरा हजार तरीकों से, हजार दरवाजों से निकल के मिल जाता है। दुनिया का ये कानून है, जो बाज होता है वो बाज के साथ प्रवास करता है, जो कौवा होता है वो कौवे के साथ प्रवास करता है, जो कबूतर है वो कबूतर के साथ प्रवास करता है, जो चिड़ियां हैं वो चिड़ियों के साथ प्रवास करती हैं। तो नेगेटिव माइंड लोग बेशक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 हजार नेगेटिव माइंड लोगों से मिले, उन्हें मिलने दें, हमें कोई मसला ही नहीं। हमने अपनी परवाज अल्लाह के फजल से जारी रखनी है और दुनिया देखेगी कि किसकी कितनी परवाज है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला के फजल व करम से हम अब ऐसे लोगों को 100% इग्नोर करेंगे और सिर्फ अपना काम करेंगे। और आपसे भी मैं यही चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।